दोस्तों, आप जानते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने में अचार की अहम भूमिका होती है। शायद इसीलिए घरों में तरह तरह के अचार डालने का रिवाज है। तो चलिए आज दीपा जी से सीखिए कैसे डालें लाल मिर्च का भरवा अचार। लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने के लिए हमने आधा किलो लाल मिर्च ली है। इसको हम कपड़े से इस तरह से साफ करके पहले रख लेंगे। अब इसे हम 2 से 3 दिन सूती कपड़े में फैलाकर धूप में सुखा लेंगे और शाम होते ही हमें इसे उसी कपड़े में लपेट के रखना है। दूसरे दिन हमें फिर इसे उसी तरह से सुखा के रखना होगा जिससे इस मिर्चे का मॉइस्चर खत्म हो जाए। हमने मिर्च को 2 दिन के लिए धूप दिखा दी है। आप देख रहे हो कि मिर्च में हल्की सी सिकुड़न सी आई हुई है। इसका मतलब यह कि मिर्च में अच्छे से धूप लग गई है। फ्रेंड्स, हम अचार को साल भर रखने के हिसाब से बनाते हैं तो हमें हर बात का ख्याल रखना चाहिए। अचार को बनाने से पहले हमें उसके बर्तन को साफ एवं अच्छे से धूप में सुखा कर रखना चाहिए जिससे कि अचार के खराब होने की संभावना ना रहे, और मसालों को अच्छे तरह से धो के सुखा कर साफ कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मसालों की। हमें लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने के लिए किन-किन मसालों की आवश्यकता पड़ती है? साबुत धनिया 50 ग्राम, पीली सरसों 100 ग्राम, अमचूर पाउडर 75 ग्राम, 50 ग्राम मोटी सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच नमक। इसे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। 500 ml सरसों का तेल। सबसे पहले हम सौंफ, धनिया, जीरा और मेथी को अलग अलग भून लेंगे। सबसे पहले हम साबुत धनिया को मीडियम से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो धनिया अच्छे से भून जाएगी। बराबर चलाते रहना जिससे धनिया जलने ना पाए। जब हम मसालों को भून कर और पीस कर अचार में भरते हैं तो अचार का स्वाद और दुगना हो जाता है। इससे धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। धनिया का भूनने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय हमें लग गया है। अब इसमें हम सौंफ भून लेते हैं। सौंफ को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तब तक इसे हम भूनेंगे। सौंफ भी भून गई है। अब इसको भी हम पलट लेते हैं। इसे मिला लेंगे धनिया में। अब इसमें हम जीरा भून लेते हैं। जीरा जीरा को भी हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। जीरे से भी खुशबू आने लगी है। इसको भूनने में करीब 1 मिनट का समय लगा। अब इसको भी हम इसी मसाले में पलट लेंगे। अब हम भूनते हैं मेथी। मेथी को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। मेथी को भी हम लाल होने तक भून लेंगे। मेथी भून गई है। अब इसको भी हम इसी में मसाले में पलट लेंगे। मसालों को हम ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। हमने मसालों को थोड़ा बारीक पीस लिया है। अब हम पीली सरसों को थोड़ा दरदरा पीसेंगे। हमने सरसों को दरदरा पीस लिया है। इनको हम इसी मसालों में मिला देंगे।
अब हम हींग और हल्दी को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। इनको भी हम इसी मसाले में मिला देंगे। अब हम एक बड़ा बाउल लेते हैं, उनमें हम सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। ये पिसी हुई खटाई ले लेंगे, अजवाइन, लाल मिर्च और नमक अच्छे से मिला लेते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक और मिर्च को चख कर भी अलग से मिला सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। मैंने करीब एक बड़े चम्मच ऑयल लिया है, सरसों का तेल, उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा तेल और मिला लेते हैं। हमने लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि हम जब मिर्च को इस तरह से रब करेंगे तो इसके अंदर के बीज को इसमें मिला लेंगे। अब हम लाल मिर्च को थोड़ा हल्के हाथों से इस तरह से रब करते हुए इसको इसके ऊपर के पार्ट को चाकू से हल्का सा कट देते हुए इस तरह से डंठल की तरफ। ये इस तरह से डंठल इसका निकल आएगा, इसको हमें रख लेना है और इसके बीजों को हमें इसमें मिला देना है। इसी तरह करते हुए हम सारे मिर्चों के बीज को अलग कर लेंगे। इसके सेंटर पार्ट में चाकू से हल्का सा निशान लगाते हुए इसका ये ऊपर निकाल के और बीजों को इसमें मिला देंगे। और चाकू से इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम फेंकेंगे नहीं, जब मिर्च हम भर लेंगे तो ऊपर से इसको रख के हम इसका मुंह दबा देंगे। हमने सभी मिर्च से बीज को निकाल के मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मिर्च भरते हैं। हमने एक प्लास्टिक की स्टिक ली हुई है, इससे हम मिर्च को भरते हैं। पहले हम इस तरह से करते हुए हल्के हल्के हाथों से मसाले को मिर्च के अंदर डालेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से करना, जिससे कि मिर्च टूटने ना पाए, इससे मसाला पूरा अंदर तक पहुंच जाता है। आप देख रहे कि मसाला पूरा मिर्च के ऊपर तक भर गया है। अब हमने जो ये मिर्च के अंदर का भाग निकाला था, इसको इसके ऊपर रख के इसको इसके मुंह को अंदर बंद कर देंगे। इस तरह से करके हम सारे मिर्चे भर के तैयार कर लेंगे।
इस तरह भरने से मसाला पूरे मिर्च में भर जाता है। हमने मिर्चों को भर के तैयार कर लिया है, अब इन्हें 5-6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। हमने मिर्च को 5 घंटे के लिए धूप में दिखा दिया है और एक तरफ हमने शीशे का जार लिया, इसे हमने अच्छे से गर्म पानी में सर्फ डाल के साफ किया है। उसके बाद इसको सूखे कपड़े से पोंछ के धूप में सुखा लिया है और एक तरफ हमने सरसों का तेल लिया है, इसे हमने पकाया नहीं है, ये कच्चा सरसों का तेल है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मिर्च को इसमें डाल देंगे, इस तरह से इसमें डुबो देंगे जिससे कि तेल इसके अंदर तक पहुंच जाए। अब एक एक करके इस जार में हम इस मिर्च को भरते जाएंगे। एक मिनट के लिए इसको इसी तेल में डुबो देंगे। इनको भी डाल देंगे इसमें, डुबो देंगे तेल में एक मिनट के लिए जिससे कि तेल थोड़ा अंदर तक पहुंच जाए। हमने सारे मिर्च को तेल में डुबोकर जार के अंदर रख दिया है, अब इसके ऊपर हम इसको तेल से भर देंगे। साफ कपड़े से इसको इस तरह से पोंछ देंगे बाहर बाहर से। और इस एक हमने सूती कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से ऊपर रख के और इसके चारों तरफ इसको इस तरह से बांध के रख देंगे। इसको हम जार में ही 2 दिन धूप और दिखा देंगे। मिर्च का अचार बन के तैयार हो गया है, इसे आप 2 दिन धूप में और रख दीजिए, उसके बाद खाइए, अचार आपको बहुत टेस्टी लगेगा। लाल मिर्च का भरवा अचार बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप अपने व्यूज हमसे शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें।